सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा होम्स में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 BHK का एक शानदार सा फ्लैट, जिसका जो इंटीरियर बहुत प्यारा रहने वाला है, कवर्ड एरिया इसका 60 गज रहने वाला है, और ये जो है आपको मेट्रो और मेन रोड से जो इसका डिस्टेंस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट का रहने वाला है। और दोस्तों, रोड की बात करूँ तो इस फ्लैट में आपको 2 रोड मिलने वाले हैं, जो एक रोड है आपका 15 फिट का रहता है और जो दूसरा रोड का साइज रहता है आपका 30 फिट का रहता है। और एमिनिटीज़ की बात करूँ तो इस फ्लैट में आपको बहुत ही ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ ये फ्लैट मिलने वाला है, जैसे कि इसमें आपको 80-90% लोन हम करा के देते हैं। इसके साथ ही आपको लिफ्ट और पार्किंग की फैसिलिटीज़ में आपको मिलती है। इसके साथ ही आपको सीवेज कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सब कुछ ओके मिलने वाला है। इसकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो बिना देरी किए मैं आपको फ्लैट दिखाती हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं खड़ी हूँ स्टेयर्स एरिया में। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है आपको। इसके साथ ही ये आपका पूरा स्टेयर्स एरिया, लॉबी एरिया, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से आप स्टेयर्स से चढ़ के ऊपर आते हो। तो आइए अब चलते हैं अपने फ्लैट के। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं खड़ी हूँ आपके लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया का आप डिजाइन, इंटीरियर देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा स्पेशियस भी है, और इसका जो इंटीरियर वो भी बहुत प्यारा वर्क इस पे किया गया है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एल टाइप का सोफा सेट दे रखा है, बीच में सेंट्रल टेबल आपको लगा के दे रखी है, एंड यहाँ पर आपको 2 पफीज लगा के दे रखे हैं। पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको कुल्टिंग का वर्क आपको मिलता है यहाँ पर। इसके साथ ही कुल्टिंग के वर्क के साथ ही आपको कॉपर ग्लास का भी वर्क इसमें वर्क किया गया है। इसके साथ ही आप ऊपर देखेंगे आपको AC का प्रोविजन हम यहाँ पे लगा कर देते हैं। राइट साइड में देख सकते हो LED पैनल आपको यहाँ लगा के दिया है, माइका का वर्क इस पे करा के दे रखा है आपको। ऊपर देखिए प्रोफाइल लाइट का काम किया गया है। ये TV पैनल देख सकते हैं आप, इतना बड़ा है कि इसमें आप 70 इंच का LED इजीली आप इसमें फिट कर सकते हो। नीचे आपको ओपन शेल्फ दे रखे हैं, यहाँ पे आप कोई भी अपना इजीली एक्सेसरीज रखने के लिए इसको यूज कर सकते हो। नीचे आपको ड्रॉर्स दे रखे हैं, यहाँ पे भी आप इजीली कोई सामान रखने के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ ही आप मेरे साथ देखिए ऊपर इसकी फॉल सीलिंग देखिए कितनी ज्यादा इसकी आप स्पेशियस लग रही है। इसका शैंडल लेयर आपको यहाँ लगा के दिया हुआ है, LED लाइट से ऊपर काम किया गया है, कॉब लाइट से। इसके साथ ही आपको 2 फैन अवेलेबल हम करा के देते हैं। देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कितना अच्छा स्पेशियस रहने वाला है आपका ये वाला फ्लैट। तो ये देखिए कितना अच्छा स्पेस है, और ये जो स्पेस है आपको, इस स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। 4 सीटर डाइनिंग टेबल भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप मेरे बैक साइड जैसे कि देख सकते हैं, आपको किचन यहाँ दे रखा है। किचन देखिए काफी ज्यादा ओपन किचन, ये आपको स्पेशियस किचन मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको ये पार्टीशन का यहाँ पे वर्क किया गया है, पार्टीशन मिलता है आपको। इसके साथ ही आपको ओपन शेल्फ यहाँ पे दे रखे हैं, जिसके ऊपर कॉबलाइट का वर्क किया गया है। ऊपर आप फॉल सीलिंग देखिए किचन की फॉल सीलिंग में आपको कॉबलाइट LED लाइट का वर्क किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है देखने में। इसके साथ ही आपको यहाँ एक बार आप इसके कैबिनेट्स चेक कर लेंगे, कैबिनेट्स में आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, स्पेस आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है। चिमनी हम आपको लगा के देते हैं, चिमनी आपको परचेस करने की बाहर से जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको RO का देख सकते हैं, RO का यहाँ पे आपको प्रोविजन दे रखा है। नीचे के कैबिनेट्स चेक कर लेंगे एक बार, नीचे के कैबिनेट्स भी बहुत ज्यादा स्पेशियस हैं, आपको कोई सामान वगैरह रख सकते हो आप इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ब्लैक कलर का यहाँ स्लैब दे रखा है आपको, ये आपका वॉशिंग एरिया हो जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ फिटिंग दी गई है, आप यहाँ मिक्सी वगैरह इजीली आप रख से यूज कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, ये रहा हमारा किचन। किचन के बाद में आपको दिखाती हूँ इसका हिडन वॉशरूम। हाँ जी, हिडन वॉशरूम इसलिए मैंने बोला क्योंकि हिडन वॉशरूम आपका यहाँ पे आपको दिखा नहीं होगा आपके लिविंग एरिया में, बट ये आपका जो है वॉशरूम रहने वाला है, कॉमन वॉशरूम। आप इसका टाइल वर्क देख सकते हो, वेंटिलेशन की आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फॉल सीलिंग भी इसकी अच्छी की गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फर्स्ट बेडरूम। तो ये रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम का स्पेस देख लीजिए कितना अच्छा स्पेस रहने वाला है। बेड के साथ ही आपको पीछे वॉलपेपर का वर्क मिलने वाला है, तो साथ ही आपको देख सकते हैं कुल्टिंग का वर्क मिलने वाला है, वो भी आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रिप के साथ। बेड के दोनों साइड आप देख सकते हैं आपको वार्डरोब्स लगा के दिए गए हैं। वार्डरोब्स का स्पेस देख लेंगे एक बार कितना है। वार्डरोब्स का स्पेस काफी ज्यादा अच्छा है, इजीली आप इसमें कुछ भी स्टोर कपड़े वगैरह सामान रखने के लिए इसको यूज कर सकते हो, वो भी आपको बेड के दोनों साइड दे रखा है। इसके साथ ही आपको नीचे ये ओपन शेल्फ दे रखे हैं, यहाँ पे आप अपने लैंप या कोई भी आप इजीली सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो गाइस, फॉल सीलिंग देखिए इसकी बहुत ही अमेजिंग फॉल सीलिंग की गई है कॉबलाइट LED लाइट के साथ।
मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको विंडो का प्रोविजन दे रखा है, ऊपर एसी का, विंडो एसी का प्रोविजन आपको दे रखा है, वेंटिलेशन की यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि आपने देखा हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलिए चलते हैं आप हमें सेकंड बेडरूम की, जो कि आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो ये देख सकते हैं, ये रहा आपका सेकंड मास्टर बेडरूम। बेड देख सकते हैं आपको किंग साइज से यहाँ पे बेड लगा के दे रखा है। बेड पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विल्टिंग और कॉपर ग्लास का वर्क किया गया है। बैक साइड में वॉलपेपर का यहाँ पे वर्क किया गया है। वॉलपेपर के बाद देखिए फ्रंट में आपको वार्डरोब्स यहाँ पे दे रखी है। वार्डरोब्स का स्पेस मैं आपको दिखाती हूँ, काफी ज्यादा स्पेशियस रहने वाली है आपकी वार्डरोब्स भी, काफी अच्छे स्पेस दे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्लाइडिंग डोर के साथ आपको वार्डरोब्स यहाँ पे मिलने वाली है। इसके साथ ही ऊपर भी आपको कैबिनेट वार्डरोब दे रखी है, आप इसको भी इजीली सामान रखने के लिए यूज कर सकते हो। फॉल सीलिंग पे एक बार फॉल सीलिंग की झलक देखिए, फॉल सीलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी कॉबलाइट एलईडी लाइट के साथ इसकी फॉल सीलिंग की गई है। फैन यहाँ हम आपको अवेलेबल करा के देते हैं। इसके साथ ही जैसे कि आपको बताया था ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है, तो इसका अटैच्ड वॉशरूम देख लेते हैं एक बार। वॉशरूम देखिए, वॉशरूम काफी ज्यादा, इसका टाइल वर्क बहुत अमेजिंग है, फॉल सीलिंग इसकी कॉबलाइट के साथ की गई है, तो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है आपका ये। और मास्टर बेडरूम है तो वॉशरूम तो अटैच है ही, उसके साथ ही आपको यहाँ पे बालकनी भी अटैच की गई है। बालकनी देखिए एक बार इसकी, बालकनी काफी ज्यादा अच्छी, आपको यहाँ हवा या धूप की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सामने देख सकते हैं आपको यहाँ टैप का प्रोविजन दे रखा है, इसको आप वॉशिंग एरिया के लिए यूज कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमारा 2 BHK का शानदार सा कमाल के इंटीरियर के साथ स्पेशियस 2 BHK का फ्लैट, जो कि आपको मिलने वाला है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ। इस फ्लैट को अपना बनाने के लिए फ्लैश में नंबर पर कॉल करें, अपनी विजिट बुक करें, इस प्यारे से फ्लैट को अपना बनाइए।